उससे पटियाला रोड के ऊपर उसको अभी राउंड अप किया गया है अलोंग विद वन एसोसिएट, एक और लेडी है। ये दोनों गाड़ी के अंदर थी। हमारे जो एसआईटी के एसीपी हैं मुकेश, उनके पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट आई थी कि इसी तरीके से इनोवा गाड़ी के अंदर वो ट्रेवल कर रही हैं। उन्होंने इसके अंदर इनको कैप्चर किया है। राउंड अप करने के बाद अब हम उनको अपना जो इंटेरोगेशन जहां पर है, जहां उनसे तफ्तीश के अंदर हम उनको शामिल करेंगे, वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम उस चीज के अंदर जाएंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा, बिकॉज द जुडिशियल प्रोसेस बिगिंस नाउ एंड वी विल मेक श्योर कि जो बातें, जो सवाल अभी तक इस वायलेंस के संबंध में उठे थे, हम उनको पता लगा सकते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हमने राउंड अप कर लिया, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। राउंड अप कहीं पे अगर किसी एरिया में होता है, जैसे ये पंजाब पुलिस के एरिया से हुआ है, पटियाला इस सड़क के ऊपर हुआ है, हमने पंजाब पुलिस को सूचित कर दिया है और उनको लेकर हम अपने पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहे हैं। देखिए, मैं उन चीजों को जो आपने शुरू से बात उठाए जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हरियाणा पुलिस के एसीपी जो एसआईटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस लेडी को अभी पटियाला रोड से राउंड अप कर लिया। सर, पंजाब पुलिस ने कहीं लेट डाउन करने की कोशिश की हरियाणा पुलिस को? मैं अभी इस चीज के ऊपर, इससे ज्यादा मैं इस चीज पे जाना चाहूंगा कि जो पंचकूला के अंदर वायलेंस हुई थी, जिसके अंदर इसका सारा रोल आ रहा है, जिसके ऊपर हम इतने दिनों से इस चीज पे लगे हुए हैं, हम पहले उसको खंगाल लें। जहां तक बात रही कि इसको किस किसने किस टाइम पे, क्योंकि तकरीबन 30 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, जिस जिसने भी इसको रखा हुआ था या शेल्टर दिया या मदद करी, कोई भी चीज है, वो धीरे धीरे परतें खुल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जिस वजह से ये सारा वायलेंस पंचकूला के अंदर 25 तारीख को हुआ और उसके बाद मतलब पुलिस फायरिंग हुई, उसके अंदर कुछ लोगों की जान गई, इस सारी चीज को खोलने में हमें समय लगेगा और हम उस चीज के ऊपर लगेंगे। कांग्रेस लीडर का नाम आ रहा था, क्या वो कांग्रेस लीडर उसके साथ शामिल था? क्या उसकी कोई स्कॉट उसके साथ थी? कोई पीएसओ उसके साथ मिला है? जिस समय पर उसको राउंड अप किया गया जी, उस समय पर ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब किसने साथ दिया वो पंजाब पुलिस को लेके आएंगे आप लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी प्रॉपर? देखिए, उसके अंदर मेरे को पहले एक बार ऐसा है जी कि हम अपनी तफ्तीश पूरी कर लें, क्योंकि हमें कल कोर्ट में इसको पेश करना पड़ेगा। कोर्ट में पेश करके हम रिमांड मांगेंगे, जैसे हालात आगे आएंगे कितने बजे मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। राउंड अप मैंने आपको स्पष्ट बोल दिया, हरियाणा पुलिस के एसीपी मुकेश ने किया। मैं आपको पंजाब पुलिस से मिली थी ना? देखिए, हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स और सपोर्ट कहां कहां से मिला, उसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को बार बार एक सवाल आपके एडीजीपी कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने जानबूझकर उसको अपनी कस्टडी में रखा हुआ था और दो चैनलों को इंटरव्यू वही करवाया, कोई बात नहीं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है पंजाब पुलिस का? मैंने आपको कहा, अगर ऐसी कोई चीज है तो निश्चिंत रहे, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि दो घंटे के लिए, हम इसको कोर्ट में कल पेश करेंगे सारी बातें। एक बार बता, क्या वो गिरफ्तार है? क्या वो गिरफ्तार है? देखिए, जब हम अरेस्ट है कि नहीं? हाँ जी, अरेस्ट ही होता है जब हमारा एक एक्यूज्ड है, हम उसको राउंड अप करेंगे। मैं आपको दो लोगों के, हनीप्रीत और उसके साथ एक और लेडी है, उसका क्या रोल है? मैं हनीप्रीत की बात कंफर्म कर रहा हूँ। विपासना सर, आदित्य इंसा और उसको लेके क्या इनपुट है? क्या वो भी माना जाएगी? पवन इंसा और उनको लेके क्या इनपुट है? क्या ये माना जाएगा वो भी? मैं आपसे गुजारिश, माइक नीचे सर, कोर्ट में कब प्रोड्यूस करेंगे? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक जो हमारे सामने हम पकड़ चुके, सर माइक नीचे कर दो प्लीज, हमें थोड़ा सा समय दीजिए ताकि हम उसको इंटरोगेट कर सके। वी आर हायर, हम अदर लेडी पुलिस ऑफिसर्स को जो हरियाणा पुलिस के अंदर है सीनियर, उनको भी साथ ले रहे हैं। बिकॉज क्या कर रहा है सर, कहाँ लेके आया जाएगा उसको, कौन से थाने में लेके आया जाएगा? ये डिटेल्स ऑपरेशनल है जी, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बाध्य हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा जी। ठीक है, कोर्ट के अंदर कल जरूर कोर्ट में पेश किया जाएगा।